हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश, और आज के इस लेक्चर में हम लोग रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि रोलिंग मोशन होता क्या है, इसमें कौन कौन से मोशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बार ऐसे देखते हैं कि अगर मान लेते हैं बॉडी इसे घूम रही है, तो इस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बॉडी कैसी कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। तो रोलिंग मोशन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं बॉडी है सिलिंड्रिकल शेप की बॉडी है, ये बॉडी किसी सर्फेस पे ऐसे रोल कर रही है, नीचे जा रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रोलिंग कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग कर रहा है। तो रोलिंग मोशन में देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, रोलिंग मोशन में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, ये बॉडी जो है ये ऐसे आगे जा रही है, मतलब ये रोटेट कर रही है। ठीक है, बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। दूसरा, अब बॉडी देखिए रोटेशनल मोशन तो कर रही है, लेकिन साथ साथ बॉडी आगे भी जा रही है ना, बॉडी ऐसे घूम रही है और आगे भी जा रही है, मतलब रोटेशन तो हो रहा है लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। तो जो रोलिंग मोशन होता है वो दो मोशन के कॉम्बिनेशन से बनता है, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे एक सर्फेस पे एक बॉल है, स्पेरिकल बॉल है। ठीक है, अभी बॉल क्या कर रहा है, आगे ऐसे रोल डाउन कर रहा है। ठीक है, बॉल आगे ऐसे घूम घूम के आगे जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। अब रोलिंग में क्या होगा, ये बॉडी रोटेट तो करेगी लेकिन साथ साथ में आगे भी जा रही है, तो रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब लीनियर मोशन। ठीक है, ऐसे हो रहा है। अगर यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर मैं यहाँ पे किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे ले लू, ठीक है, ये बॉडी मान लेते हैं रोल करते करते यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, घूमते घूमते रोल करते करते यहाँ पे पहुंच गई। अब मैं किसी भी आर्बिट्री पॉइंट को देखू इस बॉडी में, तो मुझे कैसे दिखेगा, ये कुछ इसका मोशन कुछ ऐसे कुछ भी ऐसे कुछ दिख सकता है, मतलब ये क्या होगा, ना प्रॉपर रोल होते हुए दिखेगा ना प्रॉपर ट्रांसलेशन होते हुए दिखेगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं किसी भी पॉइंट पे नहीं, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है इसका जो सेंटर ऑफ मास है, अगर मैं इसको खाली ऑब्जर्व करूं, मतलब ये बॉडी रोटेट कर रहा है पूरा ऐसा, सॉरी रोल कर रहा है, तो और मैं खाली सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को देखूं, तो मुझे क्या दिखेगा, ये जो पॉइंट है ये हमेशा क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, हमेशा सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। कहती बात समझ में आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए रोलिंग मोशन में भी केसेस बनते हैं, कैसे केसेस बनते हैं, यहाँ पे अगर फ्रिक्शन प्रॉपर ना हो तो यहाँ पे जो बॉडी रोल कर रही है वो स्लाइड भी करने लगती है। जैसे मान लेते अगर इसके ऊपर फ्रिक्शन बराबर ना हो तो रोल करने की जगह बीच बीच में क्या होगा, स्लाइड करने लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो उसको स्लाइडिंग मोशन भी बोलते हैं, रोलिंग प्लस स्लाइडिंग थोड़ा सा। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, जो रोलिंग मोशन होगा वो क्या होगा, प्योर होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड स्टैटिक फ्रिक्शन अगर होगा तो क्या होगा, वहां पे प्योर रोलिंग मोशन होगा। ठीक है, बट आपको यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई, जो रोलिंग मोशन है वो क्या है, दो मोशन से मिलकर बना है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केस है कि अभी बॉडी रोटेट करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जैसे हम लोग को ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मालूम है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। फिर हम लोग को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग ने फाइंड आउट किया था इसी चैप्टर में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम लोग ने फाइंड आउट किया था। तो उसी तरह कोई बॉडी जब रोटेशनल मोशन रोलिंग मोशन करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, अगर मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग मोशन क्या होगा, यही होगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। समझ में आ रहा है, अगर मैं ये बॉडी जैसे रोटेट करके नीचे आ रही है, ठीक है, बॉडी रोटेट कर कैसे नीचे आ रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। अब ठीक है, अब देखिए रोटेशनल मोशन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन में क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पहली बार ये फॉर्मूला देखा, ये हम लोग ने पहले भी इसके पहले सारे डेरिवेशन में हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। अब देखिए यहाँ पे आई जो है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय टू। अभी बॉडी स्फेरिकल है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन यूज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन आपने नहीं पढ़ा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है लेक्चर का, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हाफ आई की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एम के स्क्वायर।
के क्या है पे रेडियस ऑफ गायरेशन है। अच्छा ओमेगा क्या होता है, देखिए हम लोग ने पढ़ा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा v अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है v अपॉन आर हो जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ओमेगा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लेते इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे कैपिटल आर पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए m क्या है, इस बॉडी का मास होगा, ये k क्या है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है, v क्या है, इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, और r क्या है, इसका रेडियस है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी कैपिटल m है, ठीक है, मास तो बॉडी का सेम होगा ना, बॉडी का मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है, तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है हाफ m कॉमन दिख रहा है, हाफ m कॉमन दिख रहा है, और वी स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे k स्क्वायर बाय r स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 1 बचेगा, पूरा टर्म तो ये बाहर आ गया, ठीक है, तो आपके बुक में इसको 1 प्लस k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिखा है, तो उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी आ गई हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे ये तो ऐसे इसको रीअरेंज कर देगा 1 अपॉन k 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब ये पार्टिकल जब रोल करेगा तो इसके पास कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो इसके पास कुछ इसका एक्सेलरेशन होगा, तो सारी चीज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी फॉर रोलिंग बॉडी। अब यहाँ पे देखिए ये बॉडी रोल करते आ रही है, और ये इनिशियल पॉइंट है इसका, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और इसका ये फाइनल पॉइंट है, मतलब रोल करते करते नीचे आ गया, और इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया यहाँ से आने का, वो कितना था s डिस्टेंस, ठीक है, और इसका जो हाइट ऑफ इंक्लिनेशन है, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, इसका जो हाइट है वो कितना है h है, और कुछ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ से मैं साइन थीटा क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो साइन थीटा होगा वो क्या होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब h अपॉन s होगा, तो यहाँ पे मुझे h की वैल्यू क्या मिलेगी, h की वैल्यू मुझे मिल जाएगी s इंटू साइन थीटा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ s इंटू साइन थीटा, कितनी बातें समझ में आ रही है। अब देखिए मान लिया मुझे यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो उसको समझने के पहले हम लोग यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एनर्जी का कन्वर्जन यहाँ पे कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इनिशियली जब यहाँ पे बॉडी थी, जब ये रोल कर रही थी, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, वो कितनी होगी एम जी एच के इक्वल होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी, अब ये धीरे धीरे रोल करते रहेगा, तो ये क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे स्टैटिक पोजीशन में समझो, यहाँ पे जब ये रुका हुआ था इनिशियली, तो इसके पास क्या थी पोटेंशियल एनर्जी थी, जो कितने किसके इक्वल होगी mgh के इक्वल होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh, इसका मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कितने हाइट पे ग्राउंड से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ये रुका था इनिशियली, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी, ठीक है। अब ये रोल करते करते नीचे आएगा, रोल करते करते नीचे आएगा, ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो इस इक्वेशन को उठाते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ mgh लिख सकता हूँ, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ से मिल रही है मुझे, पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज होने से मिल रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आपको होपफुली समझ में आ रहेगा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह mgh लिख सकते हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी। अब यहाँ पे देखते हैं कि mgh है, यहाँ पे मास मास देखो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं और सारे टर्म्स को वहां भेज देते हैं, तो टू वहां पे जाएगा तो क्या होगा टू जी एच हो जाएगा अपॉन, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे खाली वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड में, अंडर रूट ऑफ टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, किसी भी रोलिंग बॉडी का वेलोसिटी मिल गया। अगर सिमिलरली मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, हमारे पास तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं,
v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square. अब दोनों में टाइम का फैक्टर है और यहाँ पे हम लोग को टाइम का फैक्टर कहीं पे इन्वॉल्वमेंट दिखी नहीं रहा. तो थर्ड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, v square is equal to u square plus 2as. v square is equal to u square plus 2as. ये हम लोग यूज कर सकते हैं. यहाँ पे मुझे वेलोसिटी पता है, मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जब रेस्ट करेगा तो जीरो होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो मेरे पास जा रहेगा 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. ये तो जीरो हो गया, प्लस 2as क्या होगा यहाँ पे. देखिए s जो है हम लोग ने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे s क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे s क्या हो जाएगा, h अपॉन sin थीटा. s क्या होगा यहाँ पे, h अपॉन sin थीटा होगा यहाँ पे, h अपॉन sin थीटा. ठीक है, अब यहाँ से मुझे सिंपली दिख रहा है, ये देखिए जीरो का फैक्टर है नहीं, तो इसको जीरो लिखे मतलब है नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे टू से टू चला जाएगा. ठीक है, टू से टू यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे h भी कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दिख रहा है a इज इक्वल टू ये साइन थीटा यहाँ चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, जी साइन थीटा डिवाइड बाय ये वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो कोई भी रोलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, इतना होगा, जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है इस कंडीशन में, ये पूरे केसेस में जो हम लोगों ने पढ़ा, ये जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का केस है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का जो ये चीज है, ये जो फैक्टर है, ये हमको क्या बताता है, शेप ऑफ द बॉडी. ये क्या बताएगा, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, जैसे आप लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेशन में पढ़ा था, क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन में, अगर मान लेते कोई रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग जैसे मान लेते हैं, एक आपको एग्जांपल देता हूं बाकी आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगा. फॉर रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर. ठीक है, और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में क्या होता है, एम के स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर मैं दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल कर दूं तो एम एम कैंसिल हो जाएगा. देखिए यहाँ पे आई ऑफ रिंग और ये आई वन और आई टू ले लेते हैं. ठीक है, आई वन इक्वल टू आई टू, तो I1 कितना है mr square और ये कितना है mk square, तो mm से चला जाएगा, तो r square by k square, sorry या फिर k square by r square कर सकते हैं. ठीक है, k square by r square ये क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका वैल्यू 1 है, मतलब ये क्या है, रिंग है. अगर इसका k square by r square का वैल्यू 1 है मतलब वो क्या चीज है, रिंग है. अगर इसके इसी जगह हम लोग ने डिस्क ले लिया, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म डिस्क, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr square by 2, और उसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्रम में क्या होगा, एम के स्क्वायर. तो आई आई दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो क्या मिलेगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. एम से एम मर जाएगा तो मिलेगा क्या, मुझे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो क्या मिलेगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 बाय 2. अगर इसकी वैल्यू 1 बाय 2 है मतलब वो क्या है, डिस्क है. ठीक है, रिंग का और हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेम होता है. डिस्क का और एक सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है, ये हम लोग ने पहले पढ़ा. ठीक है, इसके बाद अगर मान लेते कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सॉलिड स्फीयर और उसका एक्सेस रोटेशन उसके सेंटर से पास हो रहा है, तो उसका क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे जो 2/5 है वो बेसिकली मुझे क्या देगा, उसका क्या बताएगा, देखिए यहाँ पे जो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, अगर आप करो कैलकुलेट, तो 2/5 ही आने वाला है. तो 2/5 जो होगा वो मुझे क्या बताएगा, शेप ऑफ द बॉडी, मतलब वो क्या है, सॉलिड स्फीयर. ठीक है, अगर हॉलो स्फीयर होगा उसका सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 एम आर स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम लोग k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2/3, जिसका मतलब क्या होगा, ये हॉलो स्फीयर बासन में आ रहा है. ठीक है, तो अगर मान लेते कोई बॉडी ऐसे कर्वी नहीं है, जैसे मान लेते कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो वो रोल थोड़ी ना करेगा, वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे वैसे कोई वैल्यूज नहीं दिखने मिलेंगे आपको. जनरली आपको कैसे वैल्यूज दिखने मिलेंगे, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के, जो एक्चुअल में क्या है, रोल कर सकते हैं ऐसे बॉडी, सिलेंडर, रिंग, डिस्क, फिर स्फीयर, ये सब चीजें मिल जाएंगी. और यहाँ पे और एक चीज आपके बुक में दिया गया है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा रख करता हूँ, यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन दिया है. क्या है वो देखते हैं. देखिए ये सेम चीज है, इसको ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, या फिर पहले मैं लिख देता हूँ
यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो इसका जो आता है वैल्यू वो आता है 1:k²/r² (1+k²/r²). इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका यही वैल्यू आएगा। अगर आपने ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पुट करें, फिर रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पुट करें और फिर रोलिंग का, तो आपको यही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है रोलिंग मोशन का वो काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, कैसे उसका डेरिवेशन है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता या फिर और भी चैप्टर्स में जो भी डाउट है कोई भी टॉपिक का, तो सारा लेक्चर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप पूरा चैप्टर अच्छे से देख सकते हो 1 by 1। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।